मिसिंग द वुड, ये idiom है जिसका मतलब होता है कि किसी चीज़ के डिटेल में इतना खो जाना कि उसका जो बृहद पॉइंट है, बृहद अर्थ है, वो समझ ना पाना। तो मिसिंग द वुड का मतलब है कि टेक्निकलिटी या छोटी छोटी विवरणों में फंसा हुआ और ना देख पा रहा जो इसका विस्तृत या बृहद अर्थ है। रादर देन यहाँ पे देन प्रपोजिशन है और डिनाउंस इन्फिनेटिव है, बेयर इन्फिनेटिव नाउन है। वैसे प्रपोजिशंस के बाद जिरंडियल नाउन आते हैं, वर्ब का एनजी फॉर्म, लेकिन ये कुछ ऐसे हैं जैसे देन है उसमें से एक प्रपोजिशन, जहाँ आप ये भी देख सकते हैं नाउन के रूप में बेयर इन्फिनेटिव। रादर देन डिनाउंस और डिनाउंसिंग भी हो सकता है, रादर देन डिनाउंस या डिनाउंसिंग, बजाय इसके कि हम निंदा करें, केरला CAA रेजोल्यूशन, केरल का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से संबंधित जो संकल्प है, रेजोल्यूशन है, उसको डिनाउंस करने के बजाय सेंटर मस्ट सीक, केंद्र सरकार को मस्ट सीक टू अंडरस्टैंड। सीक टू अंडरस्टैंड मतलब यहाँ सीक का कोई अर्थ नहीं होता है, सीक का सेकेंड फॉर्म सॉट होता है, सॉट को भी बहुत देखा होगा आपने। सीक टू डू समथिंग या सॉट टू डू समथिंग का मतलब वो चीज़ करना, तो सेंटर मस्ट सीक टू अंडरस्टैंड, सेंटर को समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा दी ऑब्जेक्शंस, उनकी क्या ऑब्जेक्शंस हैं, क्या उनके विरोध हैं। द केरला असेंबली रेजोल्यूशन, केरला असेंबली का रेजोल्यूशन या संकल्प, कॉलिंग अपॉन द सेंटर, आह्वान करते हुए सेंटर से मांग करते हुए टू रिपील द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, कि वो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को वापस लें, रिपील करें, ऐसा मांग करते हुए असेंबली का रेजोल्यूशन रिफ्लेक्ट्स, वो दिखाता है द वाइड स्प्रेड अनीज, जो बेहद बड़े स्तर पर जो अनीज है, असुविधा और डिस्क्वाइट है, बेचैनी है, द लेजिस्लेशन हैज़ कॉज्ड, जिसको इस कानून ने पैदा किया है, उसको रिफ्लेक्ट करता है उनका ये रेजोल्यूशन। रादर देन ट्रीट इट का मतलब, बजाय इसके कि इसको ट्रीट करें एज ए कंट्रोवर्सी, विवाद के रूप में, ओवर द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के ऊपर विवाद के रूप में हम ट्रीट करें, वेदर कि क्या अ स्टेट असेंबली इज कम्पीटेंट, क्या कोई राज्य का विधानसभा कम्पीटेंट है, सक्षम है, टू क्वेश्चन द लॉ, सवाल उठाने पर उस लॉ पर, ऑन अ मैटर, जो इस ऐसे मैटर या मुद्दे पर हो, अंडर द यूनियन गवर्नमेंट्स डोमेन, जो केंद्रीय सरकार के दायरे या डोमेन में आता है। तो रादर देन ट्रीट इट, बजाय इसके कि इसको ट्रीट करें एज ए कंट्रोवर्सी, एक कंट्रोवर्सी या विवाद के रूप में, ओवर द क्वेश्चन, इस प्रश्न पर कि वेदर अ स्टेट असेंबली इज कम्पीटेंट, कि क्या वो कोई स्टेट असेंबली कम्पीटेंट है, टू क्वेश्चन, कि वो प्रश्न करे द लॉ, उस कानून पर, ऑन अ मैटर, जो एक ऐसे मैटर पर बना हो, अंडर द यूनियन गवर्नमेंट्स डोमेन, जो किसी यूनियन या केंद्र सरकार के डोमेन या दायरे में आता हो, क्या ऐसे किसी मैटर पे बने हुए लॉ को क्वेश्चन करने के लिए कॉम्पिटेंट है कोई स्टेट असेंबली, क्या वो सक्षम है कोई राज्य का विधानसभा, इस क्वेश्चन पर कंट्रोवर्सी के तरह इसको ट्रीट करने के बजाय द सेंटर शुड रिफ्लेक्ट, केंद्र सरकार को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, सोच विचारना चाहिए ऑन द कोर इशू, जो मेन मुद्दा है, कोर इशू है, मुख्य मुद्दा है उस पर, वो मुद्दा है दैट द CAA जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, मे बी, ये हो सकता है इन वायलेशन ऑफ द इक्वालिटी नॉर्म, ये जो समानता संबंधी जो नियम है उसके उल्लंघन में, एंड सेकुलर प्रिंसिपल्स, और जो धर्मनिरपेक्ष जो सिद्धांत है एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान में एनश्राइन किए गए हैं, लिखे गए हैं, उनके खिलाफ हो सकता है, उनके वायलेशन या उल्लंघन में हो सकता है, इस बात पर वो रिफ्लेक्ट करे, विचार करे। गिवन, ये देखते हुए कि हाउ डीपली, कितना गहरे रूप से, कितना ज़्यादा द कंट्री इज़ डिवाइडेड, देश विभाजित है, ऑन द चेंजेस, परिवर्तनों पर इन द लॉ, कानून में, इस बात को देखते हुए केरलाज एग्जाम्पल में सेट, केरल का जो उदाहरण है, में सेट द स्टेज, ये मंच तैयार कर सकता है फॉर अ वाइडर कन्फ्रंटेशन, एक और बड़े आमना सामना है टक्कर के लिए, बिटवीन द सेंटर, केंद्र और स्टेट्स के बीच, राज्यों के बीच, ऐसे राज्य दैट हैव एक्सप्रेस्ड देयर डिसइंक्लिनेशन, जिन्होंने व्यक्त किया है अपना डिसइंक्लिनेशन, अनिच्छा, टू गिव इफेक्ट, कि वो लागू करें टू द सेंटर्स पॉलिसी, केंद्र के नीति को, इन दिस रिगार्ड, इस संबंध में। तो ऐसे स्टेट्स और केंद्र के बीच एक वाइडर कन्फ्रंटेशन के लिए स्टेज तैयार कर सकता है, ये एग्जाम्पल केरल का। द रेजोल्यूशन रिफ्लेक्स, ये जो संकल्प है ये दिखलाता है अ लेजिटिमेट कंसर्न, एक वैधानिक चिंता, दैट कि इन इनेक्टिंग द CAA को इनैक्ट करके, उसको कानून का रूप दे करके, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को, द सेंटर हैज़ रिटन अ पेटेंटली डिस्क्रिमिनेटरी नॉर्म,
स्पष्ट तौर पे पेटेंटली जो डिस्क्रिमिनेटरी नॉर्म है, एक विभेद विभेदकारी जो विभेद करता है ऐसे नॉर्म को, ऐसे नियम को उसने लिख दिया है इनटू द लॉ, कानून में, कानून का रूप दे दिया है. देर इज़ जस्टिफाइड ओपोजिशन, न्यायोचित विरोध है अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत भर में, ऑन द अमेंडमेंट्स इम्प्लीकेशन, इस अमेंडमेंट या संशोधन के जो इम्प्लीकेशन या प्रभाव होने हैं उसका पूरे हिंदुस्तान में जस्टिफाइड विरोध है, स्पेशली खास तौर से इन कॉम्बिनेशन विथ द एक्सपेक्टेड फॉलो अप एक्शन. इन कॉम्बिनेशन विथ का मतलब के साथ, किसके साथ, द एक्सपेक्टेड फॉलो अप एक्शन, जो एक्सपेक्टेड जिसकी उम्मीद की जा रही है, ऐसा जो फॉलो अप एक्शन आएगा. फॉलो अप एक्शन का मतलब होता है कोई एक्ट बना दिया गया उसके बाद जो एक्शन लिया जाएगा, खास तौर से इन कॉम्बिनेशन विद द एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेड फॉलो अप एक्शन, खास तौर से जो एक्सपेक्टेड फॉलो अप एक्शन है उसके कॉम्बिनेशन में, इन द फॉर्म ऑफ एस्टैब्लिशिंग, और ये एक्शन क्या होगा, तो इन द फॉर्म ऑफ एस्टैब्लिशिंग, ये उस रूप में आएगा एक्शन ऑफ एस्टैब्लिशिंग की, एस्टैब्लिश किया जाएगा अ सिटीजनशिप रजिस्टर, एक नागरिकता संबंधी रजिस्टर. तो इसको अगर फिर से देखें तो ये पाएंगे आप कि देर इज जस्टिफाइड ओपोजिशन, एक न्यायोचित विरोध है अक्रॉस इंडिया पूरे भारत में, ऑन द अमेंडमेंट्स इम्प्लीकेशंस, अमेंडमेंट के इम्प्लीकेशन को लेकर के, संशोधन का जो प्रभाव होगा उसको लेकर, स्पेशली इन कॉम्बिनेशन विद एक्सपेक्टेड फॉलो अप, खास तौर से अमेंडमेंट का इम्प्लीकेशन खास तौर से तब जब इन कॉम्बिनेशन विद, जब इसको हम देखें जोड़ करके, विद द एक्सपेक्टेड फॉलो अप एक्शन, जो उम्मीद है जिस फॉलो अप एक्शन की जो होने वाला है, इन द फॉर्म ऑफ एस्टैब्लिशिंग, इस रूप में कि एस्टैब्लिश करने के, स्थापित करने के, सिटीजनशिप रजिस्टर, एक नागरिकता रजिस्टर, उसके साथ जोड़ के इसको देखें तो इसके इम्प्लीकेशन, इस अमेंडमेंट के इम्प्लीकेशन जो हो रहे हैं उसका पूरा हिंदुस्तान में विरोध हो रहा है. केरला चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन इज अमॉन्ग सेवरल सीएम्स, वो उन अनेक चीफ मिनिस्टर्स या मुख्यमंत्रियों में से हैं हु हैव स्पोकन आउट, जिन्होंने बोला है अगेंस्ट द सीएए'स डिस्क्रिमिनेटरी नेचर, सीएए के विभेदनकारी स्वभाव या प्रकृति के बारे में बोला है. बट हिज हैज़ बिन द फर्स्ट रिजीम, लेकिन उनका वाला हैज़ बिन रहा है द पहला सरकार टू अडॉप्ट अ फॉर्मल रेजोल्यूशन, जिसने अपनाया है एक औपचारिक संकल्प फॉर रिपील, इसको वापस लेने के लिए, इसके रिपील के लिए. द सेंटर मस्ट मेक एन एफर्ट, केंद्र को मस्ट मेक एन एफर्ट, एक प्रयास करना होगा टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए द अंडरपिनिंग्स ऑफ द ऑनगोइंग प्रोटेस्ट. अंडरपिनिंग्स का मतलब होता है मूल कारण ऑफ द ऑनगोइंग प्रोटेस्ट, जो जारी प्रदर्शन है उसके मूल कारण को समझना होगा. अगेंस्ट इट्स अमेंडमेंट्स, इसके संशोधनों के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जारी प्रोटेस्ट हैं, उनके अंडरपिनिंग्स को समझना होगा. ऑफ विच द केरला रेजोल्यूशन इज श्योरली अ पार्ट, और उस अंडर, और ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनमें से, और फिर जिनमें केरला रेजोल्यूशन भी, केरल का संकल्प पत्र भी इज श्योरली अ पार्ट, एक निश्चित रूप से हिस्सा है. यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद एंड केरल गवर्नर, केरला गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, और केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैव डिनाउंस्ड, इन्होंने निंदा की है द अडॉप्शन ऑफ सच अ रेजोल्यूशन, अपनाया जाना इस तरह के संकल्प को, उसका उन्होंने निंदा किया है. फॉर्मर आर्गोइंग, यानी द फॉर्मर मतलब पहले वाले, यानी इसमें रविशंकर प्रसाद आर्गोइंग, उन्होंने तर्क दिया दैट की, तर्क देते हुए कि ऑल स्टेट्स हैड अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, ये सभी राज्यों का एक संवैधानिक कर्तव्य है टू इम्प्लीमेंट, लागू करना सेंट्रल लॉज, केंद्रीय कानूनों को. हाउएवर, हालांकि द प्रिंसिपल ऑब्जेक्शन, जो मुख्य ऑब्जेक्शन है रविशंकर प्रसाद का, दैट सिटीजनशिप बीइंग अ मैटर, कि जो नागरिकता है बीइंग अ मैटर, मैटर होता हुआ, एक मुद्दा होता हुआ, कंसर्निंग द यूनियन, जो केंद्र से संबंध रखता है, इट इज़ नॉट ओपन टू स्टेट असेंबलीज, ये स्टेट असेंबलीज या राज्य विधानसभाओं के लिए ओपन नहीं है टू गिव देयर ओपिनियन ऑन इट, कि वो उस पर राय दें अपनी. ये जो उनका प्रिंसिपल ऑब्जेक्शन है रविशंकर प्रसाद का, इज़ नॉट वैलिड, वो वैध नहीं है. टू द एक्सटेंट दैट, इस हद तक कि अ स्टेट गवर्नमेंट बिलीव्स, जहाँ तक स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार मानता है दैट अ पार्लियामेंट्री लॉ, कि एक संसदीय कानून इज़ नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, कि वो संवैधानिक नहीं है, इट इज़ एंटायरली इन ऑर्डर, उसके लिए उचित है फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानसभा के लिए, टू कॉल फॉर, कि वो आह्वान करे फॉर इट्स रिपील, इसके रिपील के लिए, इसको वापस लिए जाने के लिए. फर्दर, इसके आगे, अ रेजोल्यूशन इज़ नॉट लेजिस्लेशन, संकल्प कोई कानून नहीं होता, लेजिस्लेशन नहीं होता, एंड इज नॉट गवर्न्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, और ये गवर्न नहीं होता, मुताबिक नहीं होता जो प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस,
जो विधानसभा के सक्षमता से संबंधित सिद्धांत हैं उसके द्वारा शासित नहीं होता रेजोल्यूशन, मतलब रेजोल्यूशन उसके मुताबिक नहीं होता संकल्प जो होता है, इसलिए कानून नहीं होता। इट इज़ ओनली एन एक्सप्रेशन, जो रेजोल्यूशन होता है संकल्प होता है, इट इज़ ओनली अ रेजोल्यूशन, इट इज़ ओनली एन एक्सप्रेशन, ये केवल एक्सप्रेशन है, इट इज़ ओनली एन एक्सप्रेशन ऑफ अ पॉलिटिकल ओपिनियन, ये केवल व्यक्तिकरण है, व्यक्त किया जाना पॉलिटिकल ओपिनियन, राजनीतिक विचार का वो होता है रेजोल्यूशन, ये कोई लॉ नहीं होता है। तमिलनाडु फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए तमिलनाडु हैज़ पास्ड सेवरल रेजोल्यूशन, उन्होंने कई संकल्प पारित किए हैं कंसर्निंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, जो भारत की विदेश नीति से संबंधित रहा है, सच है, जैसे कि आस्किंग फॉर अ वॉर क्राइम्स, मांग करते हुए कि वॉर क्राइम्स युद्ध संबंधी अपराधों का प्रोब जांच किया जाए अगेंस्ट श्रीलंका, श्रीलंका के खिलाफ, एंड इवन अ रेफरेंडम ऑन, और यहाँ तक कि उन्होंने एक रेफरेंडम, एक जनमत करा दिया ऑन तमिल इलम पर। देर इज़ टेक्निकल प्रॉब्लम ऑन द रेजोल्यूशन एडमिसिबिलिटी, ये जो रेजोल्यूशन है, ये जो संकल्प है, देर इज़ टेक्निकल प्रॉब्लम, एक टेक्निकल प्रॉब्लम है ऑन द रेजोल्यूशन एडमिसिबिलिटी, इसके एडमिसिबिलिटी पर, कोर्ट में इसको एडमिसिबल या योग्य या माना जाएगा कि नहीं न्याय उचित, इस पर टेक्निकल प्रॉब्लम है, हो सकता है इसको खारिज भी किया जा सकता है, कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। केरला असेंबली रूल्स, केरल असेंबली के जो नियम हैं से कहते हैं, मैटर्स पेंडिंग बिफोर अ कोर्ट, ऐसे मैटर्स या मुद्दे जो किसी कोर्ट के समक्ष लंबित हैं, और दोज या ऐसे मैटर्स दैट डू नॉट कंसर्न, जो संबंध नहीं रखते द स्टेट, राज्य से, शुड नॉट बी एडमिटेड, उन्हें एडमिट नहीं किया जाना, स्वीकारा नहीं जाना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ अ रेजोल्यूशन, एक संकल्प के रूप में। तो ये जो टेक्निकल प्रोसेस आधार पर ये रेजोल्यूशन केरल का नहीं है, वो एडमिशिबल नहीं है, टेक्निकल प्रॉब्लम है इसमें इस आधार पर। हाउएवर, हालांकि, क्योंकि कोर्ट में ये मामला है जो सीएए संबंधी है, हाउएवर, हालांकि दीज आर माइनर इशूज़, ये बड़े छोटे मुद्दे हैं, अल्टीमेटली अंततः द हाउस स्पीकर, जो विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, डिसाइड्स, उन्हें निर्णय करते हैं ऑन एडमिटिंग, स्वीकारने पर अ रेजोल्यूशन, किसी संकल्प को, एंड इट इज़ एन इंटरनल मैटर, और ये एक आंतरिक मसला है, मामला है। वॉइसिंग सपोर्ट फॉर द CEA, जो वॉइसिंग सपोर्ट है, वॉइसिंग सपोर्ट फॉर द CEA के लिए समर्थन में बोलना, एंड डिसअप्रूवल ऑफ केरलाज रेजोल्यूशन, और जो डिसअप्रूवल है या खिलाफत है केरल के रेजोल्यूशन के संकल्प का, उसके खिलाफ बोलना, और ऑल्सो वैलिड पोलिटिकल ओपिनियंस, वो भी वैध राजनीतिक राय हैं, बट दिज शुड नॉट ट्रांसलेट इन टू एनी इल एडवाइज एक्शन, लेकिन ये जो है शुड नॉट ट्रांसलेट इन टू, ये बदल नहीं जाना चाहिए इन टू एनी इल एडवाइज एक्शन, किसी बुरे एक्शन में, कोई इसके लिए बुरा एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए, ये बुरे एक्शन के रूप में परिणत नहीं होना चाहिए, सच है, जैसे कि हॉलिंग अप द चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को खड़ा करना डांटने के लिए या दंडित करने के लिए, बिफोर द प्रिविलेजेस कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, संसद की जो विशेषाधिकार समिति है उसके समक्ष उनको बुला के डांटने के लिए ना बुलाया जाए, ऐसे किसी इल एडवाइज एक्शन में ट्रांसलेट नहीं होना चाहिए।